हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स की, और वो है संविदा भर्ती जो चल रही है महात्मा गांधी विद्यालयों में। उनके विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न सामने आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, उनके शंकाओं का निवारण किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा ही। तो अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय संविदा भर्ती 2023 और जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके संबंध में यहाँ पर शंकाओं का समाधान किया गया है। जैसे कि बताया गया है कि पहला, अगर कोई आशार्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है नहीं, तो इसमें बताया गया है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के अनुसार विज्ञापित पदों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए अर्हता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, यानी एक से अधिक आवेदन कर सकता है अगर उसके पास योग्यता है तो। इसके साथ ही प्रश्न है कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी और गैर अनुसूचित क्षेत्र विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है, तो इसका उत्तर भी हाँ है। अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही है 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम जो होता है बीए बीएड या बीएससी बीएड उत्तीर्ण आशार्थी और अंकों को आवेदन में किस प्रकार से भरा जाए, तो इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगणित करके स्नातक के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरा जाएगा, और प्रशैक्षिक विषयों के प्राप्तांक को अलग संगणित करके बीएड के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरे जाएंगे। इसके साथ ही प्रश्न है आशार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता बढ़नी है, तो इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी नॉन टीएसपी के लिए संबंधित 23 जिलों की है, और अनुसूचित यानी टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिए संबंधित 8 जिलों की प्राथमिकता बढ़नी अनिवार्य है। जिले ऑनलाइन आवेदन में प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न था आशार्थियों का कि स्नातक के कौन से अंक बढ़ने हैं, तो अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष के अंक तालिका में अंकित तीनों विषयों यानी तीनों वर्षों के सॉरी पूर्णांक और प्राप्तांक बढ़ने हैं। ऑनलाइन आवेदन में केवल किसी वर्ष केवल विषय के अंक नहीं भरे जाने हैं। इसके साथ ही प्रश्न आता है क्या किसी ई मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचनाओं के लिए आशार्थी जिम्मेदार है, तो उत्तर है हाँ। अगर ई मित्र व जन सूचना केंद्र ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचनाओं के लिए आशार्थी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई त्रुटिपूर्ण गलत सूचनाओं के लिए पूर्णतः आशार्थी जिम्मेदार होगा, इसके लिए किसी भी ई मित्र जन सूचना केंद्र को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। आशार्थी ऑनलाइन आवेदन को भरवाकर इसका प्रिंट प्रीव्यू भलीभांति चेक कर लें, जाँच कर लें, पूर्ण सूचनाएँ चेक करें, ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करें, यानी चेक करने आपकी जिम्मेदारी है। क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भी भरवाए जा रहे हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, निर्धारित तिथि तक भरे गए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्नातक स्नातकोत्तर रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी है, तो इसने उत्तर दिया है नहीं। शिक्षा विभाग की ओर से जो शंकाओं का निवारण किया जा रहा है विभिन्न प्रश्नों को लेकर, जो अभी संविदा भर्ती चल रही है इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए, इसको लेकर भी एक और प्रश्न है क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट फोटोप्रति आप अपने पास सुरक्षित रखनी है, तो भविष्य में किसी भी प्रकार के चयन होने के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी, अतः आप प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें। इसके साथ ही अगला प्रश्न है क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है, तो इसमें दिया गया नहीं। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम पद के लिए रीट 2021 रीट 2022 व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए रीट 2022 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है बीए हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी साहित्य विषय रहा है, क्या आवेदक सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी पद के लिए आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पर दिया गया नहीं। स्नातक अंग्रेजी माध्यम से किया जाना होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रश्न था कि बीए हिंदी माध्यम के साथ एमए अंग्रेजी साहित्य से की है, क्या आवेदक सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के लिए आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पर भी कहा गया है नहीं। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी पद के लिए अंग्रेजी ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उत्तीर्ण होने पर आशार्थी पात्र माना जाएगा। इसके साथ ही बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले आवेदक सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित के लिए आवेदन कर सकता है, तो उसके लिए भी कहा गया है नहीं। बीए के तीनों वर्षों में अंग्रेजी अनिवार्य विषय से उत्तीर्ण आवेदक सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर आवेदन कर सकता है, तो इसका उत्तर भी है नहीं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट और बीएड डीएड अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना जरूरी है क्या, तो इसने कहा नहीं। रीट परीक्षा है, बीएड डीएड अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। स्नातक के अंतिम 4 सेमेस्टर में वैकल्पिक विषय अंग्रेजी साहित्य रहा है, लेकिन प्रारंभिक 2 सेमेस्टर में अंग्रेजी साहित्य के स्थान पर अन्य विषय से उत्तीर्ण आवेदक सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर आवेदन कर सकता है, तो इसका उत्तर भी है नहीं। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्नातक की मार्कशीट में पढ़ाई के माध्यम अंग्रेजी हिंदी का अंकन नहीं है, कई विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे भी है जिनमें अंकन नहीं है, तो ऐसे में आवेदक को प्रमाण पत्र स्वरूप क्या प्रस्तुत करना होगा, तो आवेदक को इस संबंध में संबंधित राज्य के महाविद्यालय के प्राचार्य विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आशय का प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्राप्त जो भी किया जाकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर उस समय प्रमाण पत्र या दस्तावेज की फोटो प्रति स्वप्रमाणित किया जाकर प्रस्तुत करना होगा, इसके लिए संबंधित आवेदक उत्तरदायी होगा। इसके साथ ही सीबीएसई से उत्तीर्ण आवेदक सीजीपीए के अंकों को प्रतिशत में कैसे अंकन करें, इसके लिए संबंधित आवेदक को इस संबंध में संबंधित बोर्ड संस्थान से पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाकर सीजीपीए के अंकों को प्रतिशत में बढ़ना सुनिश्चित करना है, और इसके लिए संबंधित आवेदक ही उत्तरदायी होगा।
साथ ही स्नातक के समतुल्य बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापक लेवल प्रथम या द्वितीय अंग्रेजी गणित के लिए आवेदन कर सकता है। तो विज्ञप्ति में अंकित के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता अर्जित होना अनिवार्य है, बीटेक वालों के लिए नहीं है। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी माध्यम होना अनिवार्य है, यानी लेवल प्रथम के लिए जो टीचर है उनके लिए इंग्लिश मीडियम में ट्वेल्थ उत्तीर्ण होना जरूरी है, इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। और लेवल द्वितीय के लिए साथ ही संबंधित विषय जो भी है वर्ष है सेमेस्टर में ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी स्नातक बीटेक सहित कोई भी समतुल्य परीक्षा होने पर ही वो पात्र होंगे। तो बीटेक वालों के लिए ये है कि उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशिक्षण की योग्यता भी अर्जित होना जरूरी। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे, इसमें अंग्रेजी माध्यम की जो वैकेंसी संविदा भर्ती है उसी को लेकर निकल रहे विभिन्न प्रश्नों उनका समाधान शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।